हेलो मेरी दुनिया की झलक में सबका स्वागत है। जय श्री कृष्णा। ये देखिए आज मैं ये नए माइक में बोल रही हूँ, मुझे पता ना कैसे आवाज़ क्लियर लग रही है या नहीं, तो इसको मैं ना यहाँ पे इस तरह से फिट कर देती हूँ और मैं अपना काम भी करूँगी। आज है संडे और आज है पूर्णिमा, यानी शरद पूर्णिमा, अश्विन पूर्णिमा है आज। और अब और आज है ना सत्यनारायण भगवान की कथा भी करेंगे हम लोग, यानी हर पूर्णिमा को हम लोग कोशिश करते कि सत्यनारायण भगवान की कथा घर में ही करें। प्रसाद की तैयारी कर रही हूँ तो सोचा फटाफट एक बार ना आप लोगों से भी बात कर लेती मिल लेती हूँ। तो ना आज ये मैं बना रही हूँ, कभी मैं हलवा बना देती हूँ कभी कुछ आटे का यानी सेक के, तो इस बार मैं आटे का जो चूर्ण बनाते हैं ना वो बनाया है। देखिए ये आटा सेक दिया है मैंने और अब इसमें मैं डालूंगी गुड़। गुड़ का बनाती हूँ मैं, शक्कर का नहीं बनाती। अब इसमें मैं ये मैंने गुड़ को भी ना अच्छे से बारीक कट करके रख दिया था, तो ये गुड़ इसमें ये रेडी हो गया है चूर्ण। इसको ना मैंने पहले घी में सेक लिया था आटे को, गेहूं का आटा जो होता है ना वो मैंने लिया है। इसमें मैंने घी डाल के अच्छे से सेक लिया है, लाइट ब्राउन कलर आ जाता है ना जैसे हल्का बादामी कलर, तब तक मैंने इसको सेक लिया था। और फिर मैंने इसमें अभी ये गुड़ मिक्स करके रख दिया है, तो ये एक रेडी हो गया। और अब मैं बनाऊंगी पंचामृत। तो पंचामृत के लिए ना मैं ले लेती हूँ एक छोटी तपेली, अब इसमें मैं डालूंगी तो अब मैं लूंगी दही, फ्रेश ताज़ा जमा हुआ दही लेती हूँ मैं। मैंने दही ना रात को ही जमाया था तो एकदम ताज़ा दही है और यूज्ड भी नहीं है, तो इसका हम बनाएंगे पंचामृत। एक मिनट, फ्रिज में ना कच्चा दूध रखा होगा, मैं वो लेके आती हूँ। बाहर ले जाती क्या ये दूध? शक्कर, एक सेकेंड, थोड़ा सा घी भी डालेंगे हम और शहद। पंचामृत में ना बहुत लोग केसर भी डालते हैं लेकिन मैं नहीं डालती हूँ, मैं बस ये पांच चीज़ें डालती हूँ, यानी पंचामृत यानी पांच चीज़ों का मिक्सचर को पंचामृत बोलते हैं हम। तो उसमें होता है दही, कच्चा दूध और घी, यानी देसी घी डालेंगे हम। तो देसी घी, शक्कर और शहद, बस ये पांच चीज़ें मिलाकर हम पंचामृत बनाते हैं। बाकी तो एक्स्ट्रा चीज़ें जो अब बहुत लोग इलायची डालते हैं, केसर डालते हैं, वो सब एक्स्ट्रा है, वो इतना मतलब कंपलसरी नहीं है वो डालना, अपनी चॉइस है। अगर आपको डालना है तो डालिए वरना कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो मैं तो नहीं डालती, मैं से बस ये पांच चीज़ें मिक्स करके ही पंचामृत बनाती हूँ। तो पंचामृत भी रेडी हो गया और प्रसाद भी रेडी हो गया, तो अब मैं जाऊँगी। अभी पूजा हो गई है, मैं सब कथा शुरू करेंगे, हम कथा पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में आरती और फिर उसके बाद में मैं खाना वगैरह बनाऊंगी। यानी मैंने थोड़ी बहुत तैयारी कर ली है खाने की, जैसे कुकर वगैरह लगा दिया है, बाकी छौका वोका मैं बाद में लगाऊंगी। मेरा भाई भी आने वाला है तो उसके पहले मैं सोच रही हूँ फटाफट मैं सारे काम कर लेती हूँ। तो वो ऐसे आता नहीं है, बहुत कम आता है मेरे घर पर, आज संडे है ना तो वो फ्री है तो मेरे घर पर आ रहा है, तो आज हम लोग बस बैठेंगे थोड़ी बहुत बातें वगैरह करेंगे। तो बस आवाज़ दे रहे मुझे कथा पढ़नी है, तो चलिए फिर बाय। अभी मैं ना दही बड़े बना रही हूँ, अब मेरी बेटी को ना दही बड़े खाने का मन कर रहा था। एक कटोरी हम दाल अगर भिगाते हैं तो हम आराम से चार पांच लोग पेट भर के खा सकते हैं ना दही बड़े। कुछ भी चीज़ मन करता है तो बोलती है मैं बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ मैं मना कर दी, मैंने मना किया उसे, तो अब दही बड़े बना रही हूँ उसके लिए। दही बड़े हो गए,
पटाटे वड़े हो गए या कचौड़ियाँ हो गई, या कोई ओकेशन हो तभी बनाओ, ऐसा तो कुछ है नहीं ना। जब भी हमारा मन करे खाने का तो बना लो। तो फिर ना हम लोग खाना वाना खा के फिर भाई आ गया था तो बातें करने बैठ गए थे, फिर मैंने ना वीडियो एंड करना भूल गई। अब ये नेक्स्ट डे है, हमें आज किचन क्लीन कर रही हूँ। देखिए सारा किचन का सामान बाहर है मेरे, तो आज पूरा दिन क्लीनिंग चलेगी किचन की। और जैसे ही थोड़ा बहुत मैं सेट करूँगी ना तो आपको दिखाऊँगी। क्लीनिंग तो सब कर दूँगी और फिर बाद में ऑर्गेनाइज करना अब स्टार्ट करूँगी मैं थोड़ी देर से। ये देखिए मैंने सारे ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ अभी धीरे धीरे सारे अपने, थोड़ी सी मैंने जगह यहाँ वहाँ चेंज करी है और कुछ डब्बों को ना धो के मैंने बाहर धूप में रखा है, बाद में अंदर रखूँगी। और ये ना मेरे जहाँ पे ओवन रखती हूँ ना तो वहाँ पे ना ये स्विच बोर्ड लूज़ हो गए थे तो मैंने उसे ब्राउन टेप से पैक कर दी और इस पर थोड़ा सा बस ऐसे मार्कर से मैंने डिज़ाइन बना दी। और ये देखिए ये मेरा आज का सबसे बेस्ट पार्ट है, ये मैंने ना अपने एक जो स्टैंड रैक था मेरे पास में तो इस पर मैंने सारे चाय शक्कर कॉफ़ी ये सब लगा दिए मैंने डिब्बे, और नीचे मैंने रख दिए कप्स वगैरह। और ये चाय शक्कर के जो डब्बे हैं ना इस पर मैंने ना लेबल चेंज कर दिया, पुराने वाले निकाल के नए मैंने नाम लिख के उस पर स्टिक कर दिया, तो बहुत सुंदर लग रहे थे वो भी। एक है ना कॉर्नर बहुत अच्छा बन गया मुझे, इस तरह से कॉर्नर काफ़ी टाइम से सोच ही रही थी बनाने के लिए, जहाँ पे सिर्फ बस यही सब चीज़ें हों जो चाय जो मेरे चाय कॉफ़ी से रिलेटेड हो। ऐसे छोटे छोटे चेंजेस अगर हम हमारे किचन में करते हैं ना तो थोड़ा अच्छी वाइब्स भी आती है, किचन में काम करने का भी मन लगता है। मेरा तो ऐसा ही है, थोड़ा चेंजेस होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये मेरा है ना इस तरह का सेटअप कैसा लगा मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बस एक बार के लिए तो मैंने किचन पूरा सेट कर दिया है, लेकिन अभी ना थोड़े बहुत और रखे हैं बर्तन डिब्बे वगैरह, वो सब मैं धीरे धीरे लगा दूँगी उनकी जगह पे। और अब मैं शाम के लिए पाव भाजी की तैयारी कर रही हूँ, ये पाव भाजी बना रही हूँ मैं। तो बस अभी पाव तो है नहीं, पाव मैंने भाजी वगैरह तो बॉयल करने रख दी थी लेकिन पाव नहीं मिले, तो फिर हम ब्रेड ही लेकर आ गए, तो बस आज ब्रेड भाजी खाएंगे। सवेरे भी क्या हुआ ना किचन क्लीनिंग के चक्कर में ना खाना नहीं बनाया मैंने, और फिर हम बाहर से ही ला के खाए थे, तो अभी मैंने सोचा नहीं घर में बना देती हूँ, लेकिन पाव मिले नहीं तो कोई बात नहीं, अब ब्रेड लेकर आ गए तो ब्रेड ही को ही सेक दूँगी मैं और फिर भाजी के साथ खा लेंगे। एटलीस्ट सब्ज़ियाँ तो जाएगी ना पेट में, बस ये ज़रूरी है कि सब्ज़ियाँ चाहिए। तो बस फिर आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइए, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को, और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ये पाव भाजी एन्जॉय कीजिए। बाय बाय, जय श्री कृष्णा। भैया को फूल देके प्रसन्न कर दो है और फिर